हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज भी एक 61 के ऊपर काम है कुछ, और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बिगिनर्स के लिए है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मॉडल नंबर है GAH61M DS2। रिविशन रिविशन कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, 2.2। पर ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और कुछ बात मैं शेयर करूँगा छोटा शॉर्ट टाइम में, वो समझ लो एक बार। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आप फेसिंग नहीं करेंगे अगर वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो देखो, इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, चलो पावर दे दिया। डिबग कार्ड में देखो पीएस ऑन आ चुका है, तो इसको ट्रिगर करते हैं। तो ओ सॉरी, मैंने 4 पिन ATX नहीं डाला है, तो 4 पिन को डालते हैं, इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करके फिर पावर देते हैं एक बार। तो देखो, ये 15 कोड पे बार बार अटक रहा है और 51 पे आ रहा है, और यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है डी रैम का। तो देखो, अभी रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर एक बजर लगाता हूँ तो ये बीप करेगा। देखो, ये रैम का इरर आ रहा है। जितने भी मैंने बहुत सारा रैम यहाँ पर जितने भी रैम है सारा चेक करके देख लिया है, कोई भी रैम का इशू नहीं है। रैम तो सही मेरा है सब, पर देखो अभी प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। ये जितनी बार भी करूँगा इस स्लॉट में भी सेम इशू आ रहा है, ठीक है, मैंने देख लिया। तो अभी देखो, इसे हटा देता हूँ और डिबग कार्ड को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, ये साइड पर रखता हूँ। बोर्ड को खोलना पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ है जो समझा देता हूँ, एक बार समझ लोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा प्रॉब्लम के साथ बोर्ड आए तो अच्छा कर पाओ या ना पाओ रिपेयर, पर खराब नहीं करोगे। देखो, पहली बात तो ये थोड़ा सा समझ लो, अगर रैम का ऐसा इरर आ रहा है तो सबसे पहला बात ये है, आपका बायोस का फॉल्टी होने पर भी ऐसा रैम का इरर आता है, तो बायस का जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम है जो खराब होने के वजह से, जो फाइल मिसिंग होने के वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये तो गया फर्स्ट पॉइंट, जो अगर बायस का प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास बोर्ड आए तो कुछ भी करने से पहले एक चीज़ करना, पर प्रॉब्लम कौन कौन से वजह से ये रैम का एरर आता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो। तो पहला प्रॉब्लम तो बायस से रिलेटेड आता है, चलो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो है इसका PWM IC, ठीक है, तो इसका जो कोर IC है ये भी अगर ख़राब है, कुछ कुछ पिन में से जो है वोल्टेज अगर निकल नहीं पाते हैं और ड्राई सोल्ड हो जाता है, या IC खराब होने से फॉल्टी होने पर भी ये सेम 15 या 51 कोड पे इरर आता है, चाहे गीगाबाइट का हो या कोई भी मदरबोर्ड हो। और मेनली PWM IC गीगाबाइट के ऊपर ज़्यादा रैम का इफेक्टेबल होता है, ये खराब होने पर भी रैम का इरर आता है। और तीसरा और एक है, जो यहाँ पर एक PWM IC होता है रैम का, ठीक है, ये जो कंट्रोल IC है ये कभी कभार बिगड़ जाने के वजह से भी ऐसा 15 या फिर 51 कोड आता है। तो ये तीन रीज़न है रैम का, और सबसे बड़ा रीज़न जो है रैम का, जब भी कोई बोर्ड आए ये बायोस भी आप रीप्रोग्राम मत करो ऐसा 15 कोड आ रहा है तो पहले मैंने भी गलती कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा खोल के देखा, साइड में रखते हैं। ये मेन थिंग है, जो CPU का सॉकेट में अगर कोई भी पिन खराब हो जाता है या फिर किसी के हाथ लगने से एक के साथ एक जुड़ जाता है तो भी ये इरर आएगा। तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे पिन जो है, शायद कस्टमर ने CPU को चेंज करने गया था या फिर यहाँ पर साफ सफाई करने गया था CPU को खोल के, तो उन्होंने ऐसा कर दिया है, तो उसके बाद से ये बोर्ड ठीक था, पर उन्होंने बोला मैं थोड़ा सा डस्ट जो है वो क्लीन करने गया, उसके बाद बोर्ड ऐसा चल नहीं रहा है। उसे थोड़ी ना पता है कि रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि बोर्ड डिस्प्ले नहीं है। तो देखो, कोई भी बोर्ड आ जाए अगर रैम का इरर आ रहा है, चाइना बोर्ड को छोड़ के, चाइना बोर्ड का टॉपिक नहीं है ये, तो कुछ भी करने से पहले एक बार CPU सॉकेट जो है इसे CPU को बाहर निकल के देख लो। अगर सॉकेट सही है तो फास्ट स्टेप आपका सॉकेट, सेकेंड स्टेप आपका बायोस पे जाना चाहिए, और बायोस को रीप्रोग्राम करने के बाद अगर आपके पास जेन्युइन फाइल है तो फिर भी अगर सेम कोड आ रहा है 15 या 51,
तो तुरंत आप जा सकते हो, यहाँ पर एक पीडब्ल्यूएम आईसी होता है जो रैम कंट्रोलर आईसी होता है, इसको एक बार रिप्लेस कर सकते हो। ये RT9199 करके होता है, 9199 करके शायद कुछ है, होता है ऐसा कुछ, हर बोर्ड में अलग अलग होता है और हर बोर्ड में अलग अलग जगह में होता है। तो ये DS2 है, DS2 में यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये आईसी आपको अवेलेबल मिल जाएगा अगर 61 का स्क्रैप है आपके पास। और तीसरी बात ये है, फिर भी सॉल्व आउट नहीं हुआ तो फिर आप डायरेक्टली PWM आईसी को एक बार रिप्लेस कर दें। अगर आपके पास नया हो स्टॉक में तो बहुत अच्छा, और पुराना भी हो किसी भी मदरबोर्ड से, अगर वो जेन्युइन है तो भी लगा सकते हो। तो ये गया रैम का टोटल फंडा। तो अभी देखो ये जो पिन है मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगा, क्लीन मतलब सीधा करूँगा, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। तो माइक्रोस्कोप अभी भी सेटअप नहीं कर पाया मैं, बूमस्टन मैनेज नहीं हुआ, तो उसके वजह से जो है थोड़ा सा क्लियर दिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये एक पिन तो इधर ही चला गया, क्लियर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, पर मेरे में जितना पॉसिबल है मैं कर लेता हूँ, करके एक बार देखता हूँ। अगर सक्सेस हो जाता है तो भी वीडियो डालूंगा, और सक्सेस नहीं होता है तो भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, जो बहुत सारा लोग जो बिगिनर्स है वो गलती करता है, वो CPU को एक बार खोल के भी नहीं देखता है और डायरेक्टली इधर उधर जाके IC वगैरह हीट कर देता है और चेंज कर देता है। तो ऐसा करने से पहले अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार आप CPU को खोल के रिमूव करके देख लो कि स्लॉट जो है वो सॉकेट के अंदर जो पिन होता है वो सही है कि नहीं है। यहाँ पर 1155 पिन होता है टोटल, तो इनमें से सब पिन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ कुछ पिन है जो अगर टूट जाता है या फिर एक के साथ एक जुड़ जाता है तो ये रैम सेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है, रैम का एरर। पर यहाँ पर बहुत सारा पिन है, मैं अभी तोड़ दूंगा तो भी बोर्ड चलेगा। थोड़ा सा और भी करना है मुझे, यहाँ पर अननेसेसरी बहुत पिन होता है, वो अगर टूट जाए तो कोई इशू नहीं है, पर कुछ नेसेसरी पिन है जो उनमें से अगर एक भी टूटा तो आपका 00 कोड डिस्प्ले नहीं आएगा या फिर रैम का एरर आ जाएगा। तो चलो जितना हुआ मैंने किया, देख सकते हो थोड़ा बहुत, पूरा क्लीन नहीं होगा। और ये जो सॉकेट है इसे भी चेंज किया जाता है, पर ये बहुत कॉस्टली है क्योंकि ये सॉकेट अवेलेबल नहीं मिलता है मार्केट में। ऑनलाइन से ऑर्डर करने के बाद इसको गैलियम से चेंज करना पड़ता है, या फिर ये सॉकेट चेंज BGA मशीन से भी होता है। तो अभी देखो अभी एक बार इसे सिंपली मैंने किया जितना भी पॉसिबल हुआ, इसे एक बार पावर देके देखते हैं। और ये रैम को एक बार लगा देते हैं, कौन सा स्लॉट पे था रैम पहले पता नहीं, जो भी था, पर दोनों स्लॉट में से कोई भी स्लॉट पे रैम नहीं ले रहा था। और ये फैन किधर गया, छोटा वाला फैन, तो अभी एक बार देखते हैं, अगर हो जाता है तो ये CPU को और खोलना नहीं चाहिए, ऐसे ही रहने देंगे, और नहीं होता है तो फिर से और एक बार ठीक से करना पड़ेगा। ये सब काम के लिए माइक्रोस्कोप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के ये काम बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों पे बहुत प्रेशर आता है। चलो देखते हैं, अभी भी जो है ये रैम का एरर आ रहा है, मतलब देखता हूँ कि बीप देता, हाँ अभी भी रैम का एरर आ रहा है, तो ठीक है CPU भी ख़राब हो जा सकता है इसके चक्कर में, और एक बार देख लेंगे। चलो एक बार एक CPU को चेंज करके भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो CPU इसके साथ था ये वाला, ये जो ख़राब हुआ है यहाँ पर इसके चक्कर में CPU भी ख़राब हो सकता है। तो मेरा ये वाला CPU एक ले लेता हूँ यहाँ से, देखो मेन टॉपिक है, अगर CPU सॉकेट के अंदर कोई भी पिन एक के साथ एक जुड़ गया है तो रैम का एरर आएगा। तो अभी और एक बार ऑन करके देखते हैं,
सेम इशू है। अच्छा इस स्लॉट में एक बार डाल के देखते हैं, इस स्लॉट में। चलो हाँ हो गया। तो इसका मतलब ये पहले मैंने इस स्लॉट पे ही लगाया था रैम को, तो यही रैम था यहाँ पर था, ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर अभी देखो एक स्लॉट इसका वर्क कर रहा है। तो इस स्लॉट में पहले फर्स्ट टाइम, शायद मैं भी मैंने फर्स्ट टाइम इस स्लॉट पे लगाया था रैम, तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना, ये वीडियो तो अपलोड हो जाएगा। तो अभी एक स्लॉट इसका एबल हुआ है, मतलब इसका जो सीपीयू है, एक सेकेंड, इसका जो सीपीयू है वो सही है मेरे ख्याल से, मतलब दोनों स्लॉट में से एक स्लॉट काम कर रहा है अभी। तो इसका जो सीपीयू है इसे लगा के देखता हूँ एक बार। ऑन करता हूँ, हाँ इसका सीपीयू भी सही है, और ये जो फर्स्ट स्लॉट था पहले रैम सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस स्लॉट में अभी रैम सपोर्ट कर रहा है, पर इस स्लॉट में रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस स्लॉट में अगर रैम सपोर्ट नहीं करता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी पोपा तरीके से ये जो पिन्स है ये सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये स्लॉट भी काम करेगा। तो देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है, अगर सीपीयू पिन तो अभी इस स्लॉट में ले रहा है। चलो दोनों स्लॉट ही रेडी हो गया, ठीक है। तो देखो ये बस फंडा होता है, ये बेसिक, आपको पहले बोर्ड को फिजिकली इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद जाके कुछ काम करना है, ठीक है। पहले बोर्ड आया, देखा डिबग कार्ड है लगाया और नहीं है, बजर लगाया, रैम का एरर आ रहा है, तो इधर उधर कुछ मत किया करो, पहले देख लो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से हो सकता है, इसको आपको पता होना चाहिए पहले। अगर ये आपको जिस दिन पता चल जाएगा प्रॉपरली, उस दिन आपके हाथ से कोई भी बोर्ड खराब नहीं होगा। तो देखो सीपीयू सॉकेट, सीपीयू जो पिन है, ये अगर आप सीधा भी नहीं कर सकते थे या फिर मुझसे भी पॉसिबल नहीं होता तो ये बोर्ड और कुछ खराब नहीं होता, पर बाद में पता चलता है कि इसका सीपीयू रिलेटेड इशू है, सॉकेट रिलेटेड। तो अगर मैं इधर उधर हिट कर देता तो शायद मे भी ये बोर्ड भी रेडी नहीं होता। तो अभी देखो दोनों स्लॉट पे रैम काम कर रहा है, तो यहाँ पर और एक जो रैम है ये भी लगा के चेक करके देख लेता हूँ ये सपोर्ट लेता है कि नहीं, देखते। चलो ये रैम भी चल रहा है, और एक चीज़ देखना है मुझे, डिस्प्ले इसका है कि नहीं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में कभी कभार डिस्प्ले आउट नहीं होता है सीपीयू पिन अगर बिगड़ जाए तो सॉकेट के। तो एक सेकेंड ये भी देख लेंगे इसका, हाँ डिस्प्ले आ चुका है, देख सकते हो, सॉरी डिस्प्ले आ चुका है प्रॉपरली। तो सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है, और छोटा सा एक नॉलेज था जो शेयर किया मैंने, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ सीखना है तो, और अच्छा ना लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।